बचपन में जितने अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, आपके दोस्त घटते जाएंगे। बचपन में सबसे ज्यादा दोस्त होते हैं आपके, स्कूल में सबसे ज्यादा दोस्त होते हैं आपके। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था इमरोज नाम का, अक्सर घर आता था, घर वालों से भी बात करता था, मम्मी पापा से भी बहुत क्लोज हो गया था वो। और वो ना बिल्कुल वो पेरेंट प्लीजिंग बात करता था, वैसी बातें करता था कि नहीं आंटी जी आप सही कह रहे हो, मतलब पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं, हमको भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। मतलब मैं उससे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना यार, कि एक बार मैंने उसको पानी पिलाते हुए भगा दिया। मैंने मम्मी को पानी दिया, मैंने पापा को पानी दिया, मैंने उसको पानी दिया और उसको बोला आज के बाद मेरे घर मत आना। ऐसे और भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो घर आते थे, घर में घुस के रहते थे। फिर एक दूसरी तरह के दोस्त थे जो शायद आपके भी होंगे, जो ना नीचे दरवाजे से ही आवाज लगाया करते थे, बाहर से ही, वो कभी घर नहीं आते, वो ना कभी घर वालों से बात करते हैं, शर्माते होंगे शायद, या डरते होंगे, या उनके घर का माहौल ऐसा होगा, तो बाहर से आवाज लगा देते कि जाकिर, या किसी दोस्त को भी आवाज लगा रहा पिंटू, और इंतजार करते हैं कोई बस नीचे आ जाए खुद से। और इनसे अगर मान लो कि मम्मी पापा ने आगे रह के अगर बात कर ली, अगर इनसे पूछ ली कि हाँ बेटा क्या हुआ, तो एकदम ऐसे डर जाएंगे जैसे कि कुछ चोरी करने जा रहे थे और पकड़े गए। बचपन का वक्त था, बड़ा मजा आया, अच्छी जिंदगी कटी। पर आज जब मैं कालांतर में देखता हूँ, जब टेस्ट ऑफ द टाइम में मैं ये रिलेशनशिप्स देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो सारे लोग जो घर की दहलीज के बाहर से आवाज लगाया करते थे, वो सब अब गायब है, छू मत। और हर वो शख्स जिसने घर में बैठ के बात की, खाना खाया, हम प्याला हमने वाला रहा, वो आज भी जिंदगी में उतनी ही शिद्दत और इरिटेशन के साथ, मेरी नापसंदगी के बावजूद, वो उतने ही प्यार दुलार और सत्कार और अपनेपन से जिंदगी में बने हुए हैं। तो मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, वो भी तो दोस्त थे, ये भी तो दोस्त हैं, वो कैसे गायब हो गए और ये कैसे रह गए। और एक सोशल बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है, उसके बारे में एक बड़ी बारीक बात मुझे समझ आई, जो मुझे लगता कि मेरी समझ सबसे बेस्ट समझ है, पर अभी के लिए जितना मुझे समझ में आया मुझे लगा कि ये आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आप भी जब सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ 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 यार, ये तो बड़ा, मुझे भी ऐसे, मेरा कल ये एपिफेनी मुझे ही हुई है, तो मुझे लगा कि यार ये बात तो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि इस बात से मुझे एक एकदम नई ताजा उम्मीद मिली है। और जैसे सुबह सुबह वो ताजा हरी ओस की बूंद होती है ना, जो किसी घास के पत्ते पे गिरी होती, उतनी ही ताजा ये उम्मीद मैं आपके लिए लेके आया हूं। हमारे पापा की एक बड़ी गंदी आदत थी, वो क्या करते थे कि जैसे ही कोई घर दोस्त आया कॉपी लेने मिलने आए, उसको अंदर बुला लेंगे, अरे बेटा आओ आओ घर में बैठो। अब मम्मी पापा से कौन बात करना चाहता है, मैं भी नहीं करना चाहता, मैं शर्मिंदा हो रहा हूं कि पापा मत करो यार ऐसे। घर में बुला लिया लोगों से, बात कर रहे हैं उनसे, पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है बेटा, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। थोड़े दिनों बाद लोग कंफर्टेबल हो गए। अब हुआ ये कि जब वो मेरे घर आने लगे तो फिर मैं भी उनके घर जाने लगा। हमारे पापा को बड़ा क्लियर ब्रीफ था, बार बार एक ही बात कहते थे कि भाई सुनो भाई, दोस्ती अगर करो तो घर की करो। तब तो बड़ा अजीब लगता था, और फिर हमें लगा कि अब इतनी बार बोल दिया है, उनके माँ बाप से मिलवाओ बेटा तुम्हारे दोस्तों, अब कितना ऑकवर्ड है ये, कहाँ मिलवाए, मतलब स्पेशली 19, 11, 12th में तो आप बड़े हो जाते, यू वांट टू हैंडल थिंग्स ऑन योर ओन, यू डोंट वांट योर पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। और दोस्ती ना बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है आपकी जिंदगी का। एक बड़ी अंग्रेजी की अच्छी कहावत है, उसमें ये है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज, कि वो आप पैदाइश से आपको माँ बाप मिल जाते हैं, आपके भाई बहन मिल जाते हैं, पर दोस्त जो है वो आप खुद चुनते हो, आप खुद बनाते हो, और उनका बड़ा आपकी जिंदगी पे बहुत इंपैक्ट रहेगा हमेशा। आप क्या सीखोगे, आप क्या जानोगे, आप क्या देखोगे, आप क्या समझोगे दुनियादारी के बारे में, इस सब का बहुत लेना देना है इस बात से कि आपके दोस्त कौन और कैसे और किनके साथ आप उठे बैठे, हम प्याला हम निवाला हुए। बहरहाल जब हम साहब ये सब होने लगा, घर की दोस्तियां हमने बढ़ाई, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने भी हमें कहा कि नहीं भाई दोस्ती करो तो घर की करो, बाद में हमें उसका एक एजेंडा भी समझ में आया। उसका एजेंडा कुछ इस तरह से था, जो कि बड़ा कमाल का एजेंडा है, कि क्या है कि जब कोई तुम्हारे घर आके बैठेगा, जब तुम किसी के घर जाके बैठोगे, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक जवाबदेही बनती है, कि आप अपने दोस्त को गलत सलाह नहीं दे सकते, आप उसे फंसा नहीं सकते, आप उसे छूट नहीं कर सकते, आप उसे धोखा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके माँ बाप से भी मिले हो, आप उसके घर भी बैठे हो, कल को अगर कुछ गलत होगा तो उसके पेरेंट्स मुझे आके बोल सकते हैं कि जाकिर बेटा आपने ऐसा क्यों किया,
आप तो घर आते थे ना हमारे, और वाइस वर्सा मेरे पापा भी ये कर सकते हैं कि अरे बेटा आपको तो खाना खिलाया ना हमने घर पे बैठा के, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। और ये बात मैंने देखी है कि वो सारे लोग जो जो धोखा कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, वो सब लोग चोर ना, वो कभी घर नहीं आते, बाहर से आवाजें लगाते हैं कि जाकिर दो मिनट बाहर आ जा यार। ये शर्मिंदगी है, एक एक एक, एक, एक उसका अंदाजा है, उसमें स्पेस है, घर की दोस्ती में स्पेस नहीं है। एज पेरेंट ही बहुत कमाल का आइडिया था, पर जिंदगी में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और क्योंकि ये आदतन मेरे में आ गया कि जब मैं दोस्तियां करने लगा तो मैं घर की दोस्तियां करने लगा, तो जो बात मुझे समझ आई वो इतनी कमाल की और इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत है, और वो इतनी ज्यादा काम की है कि वो ज्यादा बड़ी बात है कि दोस्तियां घर की करो या नहीं करो, पर ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है ना कि जब आप घर की दोस्ती करते हो, हम अपने माँ बाप के, अपने घर में, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ पलते बढ़ते हैं, एक सर्टन पैटर्न होता है उसका लाइफ स्टाइल का, कि हमारे पापा ऐसे तो हमें लगता सबके पापा ऐसे, हमारी मम्मी ऐसी तो हमें लगता सबकी मम्मी ऐसी, हमारा भाई हमारी बहन ऐसी तो हमें लगता सबके भाई बहन ऐसे होते होंगे। लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है, इस देश का रहना सहना कल्चर, हर घर का अपना यूनिक। जब आप घर की दोस्ती करते हो तो आप एक नए परिवार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आपका तारुफ होता है उनसे, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे अपना काम चलाते हैं। हो सकता है आपके पापा जितने पैसे कमाते हैं, आपके दोस्त के पापा भी उतने पैसे कमाते हो, पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। कैसे? ये जब आप उनके घर जाएंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। कोई दोस्त होगा ऐसा जिसके पापा नहीं होंगे, कोई दोस्त ऐसा होगा जिसकी शायद मां नहीं होगी, वो अपने आप को कैसे संभालते हैं, रखते हैं, इमोशनली कैसे हैंडल करते हैं, उनका परिवार चलता कैसे है। कोई दोस्त होगा जो इकलौता होगा अपने घर में, कोई दोस्त होगा जिसके साथ भाई बहन होंगे, जितने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है, पैटर्न है, ये सब आपको देखने को मिलता है। और उनके घर जाने से उनकी जिंदगी जीने का मौका मिलता है, उनके परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आप देख रहे हैं आपके माँ बाप तो एक ही होंगे, पर आप अपने दोस्तों के पेरेंट्स से बात करके आप दसियों परिवार की जिंदगी एक साथ जी सकते हैं। उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, कि लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं और कुछ लोग ऐसे करते हैं। ये लर्निंग इतनी कमाल की है ना कि जिंदगी में चाहे आप जो करें, आप चाहे LIC एजेंट बने, चाहे आप बैंक में नौकरी करें, चाहे आप सेल्स में नौकरी करें, चाहे आप राइटर बन जाएं, चाहे आप रेडियो में काम करें, ये लर्निंग आपको जिंदगी में हर जगह उतनी ही काम आएगी। आप देखो कि आप अपने पीयर्स एकदम अलग हो, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर है। और ये इतना बड़ा सुपर पावर आपको फील होगा अपनी जिंदगी में, जिसके लिए आप जब अगर आप ये करेंगे तो सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे कि यार जाकिर ने सही बात बताई थी, तो मुझे मत दीजिएगा, मेरे वालिद साहब को दीजिएगा, क्योंकि ये बात उनकी सिखाई गई, मैंने बस समझी है। उनकी बात में एजेंडा था, मैंने जो समझा अपने दोस्तों से जो सीखा उसमें उम्मीद थी।